Dear students, hello, how are you? I hope you all are good. So students, today we will start chapter number 7, class 3, English. So before start this chapter, we will point out some points. So let's see, first point is, who went with you? तो बच्चों, आप लोग जनरली आप कभी कभी घूमने जाते हैं, तो आपके साथ और कौन कौन जाते हैं? एंड हु स्टेड एट होम? तो जब आप घर से कहीं जाते हैं तो घर में कौन कौन रुकते हैं? पॉइंट नंबर 3, द प्लेसेस यू विजिटेड। आपने बहुत सारे ऐसे प्लेस जगह देखने के लिए गए होंगे, तो आप उन सभी जगहों को याद कीजिए, उस समय आप किसके साथ घूमने गए थे। पॉइंट नंबर 5, द फूड कुकीज और स्नैक्स यू एट। तो बच्चों, उस समय आप जब कहीं घूमने गए हुए होते हैं, तो उस समय आप क्या क्या, कई सारे स्नैक्स, कई फूड्स, चॉकलेट्स, ये सभी चीज़ आप जरूर खाते होंगे। पॉइंट नंबर 6, द टाइम यू केम बैक होम। और आप जब उन सभी जगहों को विजिट कर लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप वापस आते हैं अपने घर की ओर। एंड लास्ट वन इज पॉइंट नंबर 7, व्हाट हैपेंड इन योर एब्सेंस। और ये 7 नंबर में कह रहा है कि आप जब उस समय घर पर नहीं रह रहे होते हैं, जब आप घर से बाहर कहीं घूमने चले जाते हैं, तो उस समय घर पर क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, before starting this chapter we have seen many things. So in this chapter, a night out, we will see there are 2 children and they are going to see fairs and circus with his parents at night. So students, let's see line by line. It was about 12 o'clock at night when Tom and Lucy got back home. लगभग रात के 12 बज रहे थे जब टॉम और लूसी घर वापस आते हैं। They had gone out to enjoy themselves at night. वे दोनों रात को बाहर घूमने गए हुए थे। Dad, Mom were also with them. और उनके साथ उनके मॉम और डैड भी थे। बट देयर सिस्टर जैनी वॉज नॉट विद देम। लेकिन उनकी जो बहन थी वो उनके साथ नहीं थी। सी वॉज अस्लिप व्हेन दे वेंट। जब वे लोग बाहर घूमने गए हुए थे, उस समय उनकी सिस्टर घर पर ही गहरी नींद में सोई हुई थी। सो दे वेंट विदाउट हर। इसलिए वे उसके बिना ही चले गए थे। दे डिंट वॉन्ट टू वेक हर। वे नहीं चाहते थे कि उसे उठाए, उनके नींद को डिस्टर्ब करें। वेन दे रिटर्न, द हाउस वॉज डार्क एंड क्वाइट। हियर रिटर्न मीन्स वापस आना। और जब वे वापस घर को आते हैं तो घर एकदम शांत और अंधेरा पड़ा हुआ था। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि घर का स्थिति कैसा है, पूरा चारों तरफ अंधेरा छाया और एकदम सुनसान है। आप चित्र देख करके समझ सकते हैं। डैड क्लोज द डोर वेरी क्वाइटली। और डैड ने दरवाज़ा को बहुत ही धीरे से बंद किया। क्वाइटली मीन्स धीरे से। देन ही विस्पर्ड, यू टू मस्ट गो टू बेड नाउ। और वह धीरे से कहते हैं कि तुम दोनों अपने रूम पर चले जाओ। इट्स स्कूल इन द मॉर्निंग। और कल सुबह में स्कूल भी है। लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी फास्ट स्लीप बाय दिस टाइम ऑफ नाइट। और छोटे बच्चों को जल्द ही सोना चाहिए रात में। टॉम एंड लूसी वेयर फीलिंग सैड फॉर जेनी। और टॉम और लूसी को बहुत ही सैड फीलिंग हो रहा था जेनी के लिए, क्योंकि
उन्होंने जेनी को घर पर ही छोड़कर वो घूमने गए थे। दे हैड नॉट टेकन ही अलोंग, क्योंकि उन्होंने जेनी को अपने साथ नहीं लिया था, जिसका उसे बहुत ही दुख था, बहुत ही उसे बुरा लग रहा था। बट वॉट कुड दे डू, लेकिन वे दोनों कर ही क्या सकते थे। जेनी वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम, और जेनी इस समय भी वह सो रही थी। दे डिंट वॉन्ट टू वेक हर, और वे दोनों उसे अभी जगाना नहीं चाहते थे। हियर वेक मीन्स जगाना। ग्रैंडपा हैड सेड दैट ही वुड स्टे बैक टू लुक आफ्टर हर। ग्रैंडपा ने कहा था कि जब वे लोग बाहर चले जाएंगे तो उनका ख्याल वो रखेंगे। कम ऑन एंड गेट अप दोज स्टेयर्स सेड मम। मम्मी कहते कम ऑन, यहाँ आ जाओ और स्टेयर्स पर बैठो। क्लीन योर टीथ एंड डोंट रन द वाटर टू लाउडली। और मम्मी उनसे कहते हैं कि तुम दोनों अपने मुंह को साफ करो और पानी को ज़्यादा मत वेस्ट करो। यू मस्टन्ट वेक पीपल अप, और नल को धीरे धीरे चलाना है और लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर नल का पानी आप ज़ोर से चलाएंगे तो नल का पानी की आवाज़ से बाकी लोगों को परेशानी हो सकती है, सो आप धीरे से नल चलाएं। टॉम एंड लूसी वेंट अप क्वाइटली। टॉम और लूसी दोनों धीरे से वहाँ चले जाते हैं। दे डिड एज दे वेर टोल्ड, और उन्होंने वैसे ही किया गया जैसे उनकी मम्मी ने उनसे कहा था। दे डिंट मेक एनी नॉइस, और उन्होंने कोई भी आवाज़ या शोरगुल नहीं किया। हियर नॉइस मीन्स शोरगुल, आवाज़ करना। द टू चिल्ड्रेन वेयर थिंकिंग ऑफ द वंडरफुल इवनिंग दे हैड स्पेंट। द टू चिल्ड्रेन मीन्स वही दोनों बच्चे टॉम और लूसी, वे अभी उसी के बारे में, उस अद्भुत शाम के बारे में सोच रहे थे जो उन्होंने बिताया था। फर्स्ट दे हैड बीन टू अ कैफे, और सबसे पहले वे जब घूमने गए थे तो सबसे पहले कैफे गए हुए थे। देयर दे एट केक एंड ड्रिंक कॉफ़ी, और उस कैफे शॉप में सबसे पहले उसने केक और खाया और कॉफ़ी पिया। नेक्स्ट दे वेंट टू अ सर्कस, इसके बाद वहाँ से वे सर्कस देखने चले जाते हैं। द सर्कस क्लाउंस मेड देम लाफ अलॉट। यहाँ पर क्लाउंस मीन्स जोकर, आप बच्चों सर्कस में देखे होंगे, जोकर बहुत ही एकदम देखने में काफ़ी कार्टून लगता है और देख करके हमें बहुत हंसी आती है। तो द सर्कस क्लाउंस मेड देम लाफ अलॉट, और सर्कस में जब जोकर को देखते हैं तो उन्हें बहुत ही हंसी आती है। दे थ्रू चॉकलेट क्रीम एट ईच अदर एंड फेल अबाउट ऑन द ग्राउंड, और वे एक दूसरे को चॉकलेट फेंकते हैं और वे ग्राउंड में गिर जाते हैं। दे वेर मैड एनिमल्स एट द सर्कस, और सर्कस में बहुत सारे जानवर भी थे। बट द चिल्ड्रेंस फेवरेट वॉज द एलिफेंट, लेकिन दोनों बच्चे का जो फेवरेट जानवर था वो था हाथी, एलिफेंट। ही ड्रैंक वाटर एंड देन ब्लो इट आउट ऑफ हिज ट्रंक एट द क्लाउंस, और उस सर्कस में वो हाथी था जो दोनों बच्चों का बहुत ही फेवरेट था। वो हाथी अपने मुंह, अपने सूंड में पानी लेकर के उस जोकर, उस क्लाउन के ऊपर फेंक रहा था, उसके ऊपर पानी छिड़क रहा था। टॉम एंड लूसी हैड नेवर सीन मम लाफ सो मच, और टॉम और लूसी दोनों बच्चे ने अपने मॉम और डैड को इस प्रकार से कभी हंसते हुए नहीं देखा था। आफ्टर द सर्कस डैड ड्रॉप देम होम, और सर्कस देखने के बाद डैड ने उन सभी को घर पहुंचा दिया। ऑन द वे दे स्टॉप टू फिश एंड चिप्स, और घर जाते वक्त रास्ते पर वे फिश और चिप्स के लिए रुके। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि वे सभी अपना जो हाथ में लिए हुए हैं फिश और केक्स के टुकड़े चिप्स।
On the way, they stopped for fish and chips. Mom didn't want the car to smell for fish. और उनके मम्मी नहीं चाहते थे कि फिश से उनका कार स्मेल करे. स्मेल मीन्स दुर्गंध देना, गंध देना. सो दे वॉक्ड अप एंड डाउन द पेवमेंट. यहाँ पेवमेंट मीन्स सड़क के किनारे बगल से जो आने जाने के लिए पैदल चलने के लिए रास्ता है उसे पेवमेंट कहते हैं. तो मम्मी उस पेवमेंट के नीचे चली जाती है ताकि कार के अंदर अगर मछली ले जाया जाए तो उसका दुर्गंध से कार काफ़ी गंदा महक आएगा, इसलिए वह नीचे उतर आती है. ईटिंग द हॉट फूड आउट ऑफ ट्रेस विथ देयर फिंगर्स. और आप इस फिगर पर देख पा रहे होंगे कि वे सभी ट्रे हाथ में लिए हुए हैं और वहाँ से गर्मा गर्म फूड का मज़े ले रहे हैं और वे अपने फिंगर से उठाकर किस प्रकार से खाए जा रहे हैं. डैड सेड इट वॉज द बेस्ट वे टू ईट फिश एंड चिप्स. और उनके डैड कहते हैं कि यह फिश और चिप्स खाने का बहुत अच्छा तरीका है. द टू चिल्ड्रन एट विथ ग्रेट रिलिश. और वो दोनों बच्चे भी बहुत ही इंजॉय के साथ, बहुत ही प्लेजर के साथ, या रिलिश मीन्स इंजॉय के साथ वो उस फूड का मज़ा लेते हैं. They said food had never tasted so good. और दोनों कहते हैं कि हम दोनों ने इस प्रकार का भोजन अपने लाइफ में कभी नहीं किया था. तो यह जो भोजन है बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा है. Now they were back at their house. अब वे अपने घर वापस चले आते हैं. They changed their clothes and prepared to sleep. इसके बाद वे अपने कपड़ों को चेंज करते हैं और सोने के लिए तैयार करने लगते हैं. ऑल दे वॉन्टेड वॉज टू गो टू बेड एंड थिंक अबाउट द सर्कस. इसके बाद वे सभी बेड पर सोने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन उनका मन अभी भी सर्कस की ओर था. वे अभी भी सर्कस के बारे में सोच रहे थे. बट जस्ट एज दे वेयर गेटिंग इन टू बेड दे हर्ड अ नॉइस इन द स्ट्रीट. और जैसे ही वे अपने गेट पर जाते हैं, अपने बेड पर लेट जाते हैं, वो स्ट्रीट से रोड तरफ से फिर उन्हें एक आवाज़ सुनने पड़ती है. टॉम एंड लूसी एट वंस रैन टू द विंडो एंड लुक्ड आउट. दे कुड नॉट बिलीव व्हाट दे सो. और स्ट्रीट का आवाज़ सुन करके टॉम और लूसी फिर से खिड़की में जा कर के बाहर की ओर देखने लगते हैं. दे कुड नॉट बिलीव व्हाट दे सो. और उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि उन्होंने क्या देखा. व्हाट डू यू थिंक दे सो. तो बच्चों आपको क्या लगता है उन्होंने रोड पर क्या देखा होगा, आप इसके बारे में सोचिएगा. सो ऑन दिस वे द चैप्टर इज ओवर. और नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे. सो थैंक यू, हैव अ गुड डे.